गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप, पता नहीं ये लोग चुप क्यों नहीं होते यार, सॉरी। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। बेसिकली जो पिछली व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सरप्राइज़ बताऊंगा, मैं आप लोगों को सरप्राइज़ बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो के अंदर ही बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देखिएगा। और मेरे गूगल एवरेज की, मतलब के यूट्यूब एवरेज के मुताबिक आप में से ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बेल आइकन आके उसके लेफ्ट में होता है सॉरी, तो उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और आज ट्रेडिशनल ड्रेस शलवार कमीज़ अच्छा लग रहा है मुझे, शलवार कमीज़ वाइट शलवार कमीज़ मुझे ज़्यादा सूट करते हैं। होपफुली आप लोगों को रमज़ान में काफ़ी मज़ा आ रहे होंगे। अब तो चंद रातें रह गई हैं रमज़ान की ताकतों को मिला के, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे ही है यहाँ पे, लेकिन और अपनी दुआओं में खुसूसी याद कीजिएगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। यो मैन, मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी, कि मैं बाल कटवाने चला गया था। और फिर इसके बाद फिर मैंने दो तीन काम किए अपने घर के, तो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा कि मुझे व्लॉग करना आएगा। तो अभी घर पे आया डायरेक्ट और बाल कटवाए मैंने, ये देख सकते हैं, यो बॉय लुक फ्रेश। ऑलराइट, बाल वगैरह कटवाए और अरहम माय नेफ्यू, छोड़ा है इसको, छोड़े बच्चा ही, और बाल वगैरह मैंने कटवा लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं वैसे। बताएं सही लग रहे हैं, कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं बाल। बहुत रश होता है वैसे, बेसिकली आपको पहले ही कटवा लेने चाहिए ताकि आपके बाल सेटल होने में तकरीबन 2 से 3 दिन टाइम लगता है, और ईद से पहले आपके बाल सेटल हो जाते हैं। वरना अगर आप चांद रात वगैरह वाले दिन कटवाएंगे तो फिर आपके एक तो रश काफ़ी होगा, काफ़ी। मैं तकरीबन 4 बजे से गया हुआ था और अभी 7:15 बज रहे हैं, अभी घर आया हूँ, इतना रश था, चेक कर लें अब इतना रश था। कोई बात नहीं, बाल वगैरह सब कट गए, डन, और इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो इफ्तारी के बाद। ऑलराइट, आपको दिखाना था अब सरप्राइज। बेसिकली सरप्राइज कुछ यूं था कि मेरे अब्बू ने मुझे गुड गिफ्ट किया है। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं दिखा दूँ इसे, काफ़ी मैंने मुझे दिखाना है, आप प्लीज़ दिखाने दे मुझे। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा असल में बेसिकली मेरे पास दो फोन है, दोनों आईफोन है, अब तुम सेटल हो जाओ प्लीज़, सेटल हो गए। मेरे पास दो फोन है, दोनों आईफोन हैं, और अब जो मुझे नया फ़ोन दिया है मेरे पापा ने वो भी आईफोन है। नेक्स्ट सरप्राइज इज इन माई पॉकेट, वेट। ऑलराइट, दिखाऊं, ये रहा, दिस इज, एज यू कैन सी, आई डोंट नो, बट आपके मोबाइल का शेड आ रहा है, यू नो दैट। देखें मैं आपको कितना क्लियर है, कैमरे का शेड आ रहा है। आईफोन 7 दिया, ब्लैक एडिशन, बिल्कुल न्यू, चलता है, सब चलता है, चलता है, चलता है। बस यही बताना था मुझे, और अभी टाइम हो गए हैं तकरीबन 10:19, आई थिंक 10:19 हो चुके हैं, और मुझे अभी नहाना है, और नहाने के बाद फिर मुझे अपनी एडिटिंग करनी है इस व्लॉग की, और इंशाल्लाह 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 बहुत ही टाइट टाइट व्लॉग्स आने वाले हैं तकरीबन ईद के फर्स्ट वीक में। इंशाल्लाह ट्रैवल करने का मूड है अब, वो ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवल इंशाल्लाह, अमेरिका, यूके, दुबई या फिर कनाडा, इन चारों में से कोई एक मुल्क होगा जहाँ मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा नहीं। जब मैं जा रहा हूँगा इंशाल्लाह 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 जब मैं आपको बताऊँगा, जब वीज़ाज़ वगैरह टिकट्स वगैरह सब पक्की हो जाएंगे
अभी सब सब इन प्रोसेस है, तो अभी बताना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो ऑलराइट गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्री का है यार सब्सक्राइब, बंदा सब्सक्राइब करके फिर देख ले। बेल आइकन नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आएंगी कि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले बेल आइकन अगर आप दबाएंगे, दबा दीजिएगा यार प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।